अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रेवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूएई से कुछ मज़ीद अच्छी ख़बरें आ रही हैं। 5 सितंबर को ऐलान किया जाएगा कोई 50 नए प्रोजेक्ट्स का। उन प्रोजेक्ट्स का पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, विज़िट वीज़ा के हवाले से उसमें क्या अट्रैक्शन होगी, एम्प्लॉयमेंट किस तरह से निकलेंगी, उसका पूरे यूएई पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, हमारा फ़ायदा उसमें क्या होगा, आज की वीडियो इस बारे में है। मजीद आगे जाने से पहले हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का सेहत के लिए दुआ करने का। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से सेहत बहुत बेहतर है। तो दोस्तों, दुबई के जो रूलर हैं उन्होंने 5 सितंबर का ऐलान किया है कि 5 सितंबर को हम 50 नए प्रोजेक्ट्स जो अगले 10 से 15 साल के लिए काफ़ी होंगे उन पे काम करने जा रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि वी डोंट वेट फॉर फ्यूचर, हम मुस्तकबिल का इंतज़ार नहीं करते। इसका मतलब ये होता है कि हम खुद मुस्तकबिल हैं या हम मुस्तकबिल बनाते हैं। इसके लिए वो यूएई में पैदा होने वाली डिमांड्स, यूएई में पैदा होने वाली जो ग्रोथ है, जो यूएई कैसे तरक्की करेगा, किन किन सेक्टर्स को वो बढ़ाएंगे, किस किस चीज़ में वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इसके बारे में वो बताएंगे। इसके लिए पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इंडियंस के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के हवाले से है कि आप लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। यूएई के अंदर जो गोल्डन वीज़ा कैटेगरी है, जो 5 साल की मल्टी एंट्री कैटेगरी है, वहाँ पर ज़मीनें खरीद के अपने नाम के ऊपर घर बना सकते हैं, आपको वहाँ के स्टे मिल सकता है जैसे गोल्डन वीज़ा है। इस तरह की यूएई में मज़ीद कई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि लोग वहाँ पर अब स्पॉन्सर की बजाय खुद डायरेक्टली ओनर बन सकेंगे। और जो विज़िट वीज़ा की कैटेगरी है जिसमें आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको भी वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पॉन्सर के बगैर वो विज़िट वीज़ा जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर सकें, जैसे बाकी कंट्रीज़ के वीज़े होते हैं। और स्पॉन्सर जो है वो ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर ही किसी को कर सकें, आप ऑनलाइन भी विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। इस तरह की बड़ी बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं यूएई के हवाले से। और इसके अलावा जो नया एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा है वो भी 5 सितंबर के बाद हो सकता है कि उसको भी वो ओपन कर दें आउटसाइड कंट्री के लिए भी। इनसाइड कंट्री तो ऑलरेडी चल ही रहा है, जो विज़िट टू वर्क लोग कन्वर्ट करवा रहे हैं वो तो वहाँ पे प्रोसेस ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन जो नए वर्क वीज़े हैं, नई डिमांड है, नया कोटा है, ये 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के दरमियान इसकी भी इंशाल्लाह अच्छी खबर आने वाली है। और ये जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि वर्क फोर्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा चाहिए, प्रोफेशनल लोग चाहिए, क्वालिफाइड लोग चाहिए, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, आईटी सेक्टर में जॉब्स क्रिएट होंगी, ई कॉमर्स के अंदर होंगी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर होंगी, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर होंगी, वेबसाइट्स के ऊपर होंगी। तो दुबई एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है पूरी दुनिया के ई कॉमर्स का। तो इसलिए जो नए प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च करने जा रहे हैं उनके अंदर पाकिस्तानी वर्क फोर्स, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी जो क्वालिफाइड स्किल्ड लोग हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आने वाली है आने वाले वक्त में। और पाकिस्तान की रिलैक्सेशंस भी बहुत ज़्यादा अनाउंस होने वाली हैं, इसलिए उम्मीद ये रखें कि इंशाल्लाह अगले यूएई में जो आने वाला वक्त है वो बेहतरी की तरफ है, दुनिया नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है, पेंडेमिक जो है वो वैक्सीनेशन लगने की वजह से अपने आखिरी मराहल में, लोग बहुत ज़्यादा वैक्सीनेटेड हो चुके हुए हैं और अब ये है कि दुनिया नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है जैसे बाकी कंट्रीज़ जा रही हैं। डेल्टा वेरियंट जो चौथी लहर है इसका भी असर उस तरह से नहीं हो रहा, भी इस असर जो है इसका भी ख़त्म होने पे आ रहा है, ये भी लहर जो है अपने एंडिंग की तरफ जा रही है। इसलिए अच्छी खबर ये है कि वो पाकिस्तानी जो जिनका रेजिडेंट वीज़ा एक्सपायर हो चुका हुआ था उसकी एक्सटेंशन के लिए वेट कर रहे थे, जिनके विजिट वीज़े एक्सपायर थे एक्सटेंशन के लिए वेट कर रहे थे, जो नए वर्क वीज़े की अप्लाई के लिए वेट कर रहे थे, वो उनका वेट जो है वो ओवर होने वाला है। थोड़े दिन तक बड़ी अच्छी खबरें जो हैं वो आने वाली हैं। इसके अलावा जिन दोस्तों ने दुबई का विज़िट अप्लाई किया हुआ सिंगल मेल का, वो कह रहे हैं रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आपसे कहा था कि ना अप्लाई करें, अभी वेट कर लें। इसके अलावा जो जिन दोस्तों ने रेजिडेंट वीज़ा का कहा कि रेजिडेंट वीज़ा कब रिन्यू होगा, उनके लिए भी यही है कि आप वेट करें, थोड़े दिन तक बड़ी अच्छी खबर आएगी तो आप उस हवाले से इसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसकी एक्सटेंशन भी पॉसिबल हो जाएगी। ये थी अब तक के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दें, सेहत के लिए दुआ फरमा दीजिएगा। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।